छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने पार्टी की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कानून व्यवस्था के मसले पर प्रदेश की साय सरकार को जमकर घेरा। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री पायलट ने कहा कि 9 महीने में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता का विश्वास खो दिया है। प्रदेश के गृह मंत्री के जिले में हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा है। पायलट ने यह भी कहा कि हिंसात्मक घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई। प्रदेश में हिंसा की घटनाएं बढ़ने के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। पायलट ने यही बताया कि कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पूरे प्रदेश भर का दौरा करेंगे। इस दौरान नेतागण कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी के बारे में जो बातें बोली जा रही है, इसके लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें लगातार टारगेट करने का उद्देश्य यही है कि आज भाजपा हर जगह पिछड़ रही है। कांग्रेस चुनाव प्रचार में बहुत आगे निकल चुकी है। भाजपा अपनी बौखलाहट को दिखा रही है। अध्यक्ष जी को, नेता प्रतिपक्ष जी पी सिंह देव जी, हमारे सब भूपेश बघेल जी भी यहाँ थे, हम सब लोगों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए जो कदम उठाने हैं उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। और मैंने अध्यक्ष जी को निवेदन किया है कि हमारे सभी साथी प्रदेश में जाएंगे, सीधा संवाद हमारे कार्यकर्ताओं से किया जाएगा। जहां पर कमियां हैं उसको पूरा करेंगे, जो रिक्त पद हैं उनको भरेंगे, जो निष्क्रिय लोग हैं उनकी जगह नौजवानों को और सक्रिय लोगों को मौका देने का काम हम लोग करेंगे। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है और मुझे दुख इस बात का भी दुख है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री के जिले में जिस प्रकार लगातार हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, अभी कवर्धा में कल जो हुआ हम सबके सामने, लगातार इस प्रकार के हिंसक वारदातों को अंजाम देने का जो एक माहौल बना है उसके लिए पूर्ण तरह प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। और मैं चुनौती देना चाहता हूं सरकार को कि आप कठोर कदम उठाएं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप आपसी खींचतान में इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, संचालन दिल्ली से होता है, प्रदेश की सरकार के पास कोई ताकत नहीं है, कोई नैतिक ताकत नहीं है निर्णय लेने की, अफसरशाही हावी है, और जो ऐसे एलिमेंट्स समाज में हैं जो हिंसा करते हैं, शोषण करते हैं, चक्कूबाजी हो रही है, दुष्कर्म महिलाओं के साथ हो रहे हैं, आपसी झगड़े हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, उसको रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। हम अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी, हम सभी वरिष्ठ नेताओं को वहाँ भेजेंगे, मौका मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे, रिपोर्ट लेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो करेक्टिव मेजर उठाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार के वायलेंस को यहाँ प्रदेश में कोई जगह ना मिले। बड़े दुख की बात है कि राहुल गांधी जी को लगातार जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो उस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। पहले केंद्र सरकार के एक मंत्री ने राहुल गांधी जी पर बेबुनियाद आरोप लगाए, बड़ी हल्की भाषा का प्रयोग किया। आज एक शिवसेना के विधायक हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने बहुत ज़्यादा निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया और मुझे लगता है कि ना सिर्फ उनकी पार्टी को लेकिन कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए और जो देश का नेतृत्व करते हैं उनको सफाई देनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस प्रकार की शब्द का प्रयोग करना, शब्दावली का प्रयोग करना, बयान देना, धमकी देना और हिंसक बातों को बोलकर देश की राजनीति का जो माहौल बिगाड़ने का काम सत्ता पक्ष कर रही है, चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे भारत सरकार की बात करें, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी की पार्टी है, हमने हमेशा शालीनता, प्रेम, सद्भावना और अहिंसा की बात की है, लेकिन अभी जो देश का माहौल है वो भाजपा के खिलाफ हो गया, इस बात को नेता लोग भाप गए हैं। जिन दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, भाजपा पिछड़ रही है, उस हार के कारण जो बौखलाहट इन नेताओं के जहन में है वो एक अभद्र भाषा के रूप में सामने आ रही है। और वो राहुल गांधी जी को कितना टारगेट कर लें लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। देश की संसद में जो लगातार विधेयकों को उनको वापस लेना पड़ रहा है, देश की राजनीति में जो एजेंडा सेट कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस कर रही है उसका जवाब भाजपा के पास है नहीं। इसलिए मुझे बड़ा दुख है कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश हमारे सत्ताधारी नेता कर रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो इनका शीर्ष नेतृत्व है वो माफ़ी मांगेगा और इन बयानों से अपने आप को दूर करेगा ताकि गलत संदेश समाज में, देश में ना जाए।